आज बनाएंगे हम कोल्ड कोको, जो कि बच्चों को तो पसंद आता ही है, साथ में आपको भी ये काफी पसंद आएगा। कोल्ड कोको इसे बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है कोल्ड कोको। चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लरी बनाएंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप है स्लरी बनाना। इसके लिए बाउल में मैं डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। 2 टेबल स्पून हमने कोको पाउडर डाल दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास कोको पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप ले लेना कोको पाउडर। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर जो कि है वनीला फ्लेवर में, 1 टेबल स्पून। आप चॉकलेट फ्लेवर वाला भी कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं सेम क्वान्टिटी में। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क 1/2 कप। मिल्क ठंडा है, मतलब बॉयल करके फ्रीज में रखा हुआ है, ठंडा किया हुआ। तो 1/2 कप हमने मिल्क डाल दिया और इसे हम विस्कर से विस्क कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए हमारा तैयार है, स्लरी हमारी तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन कर दी है और एक कढ़ाई रख देंगे हम। आप कोई छोटा बर्तन ले लेना, यहाँ मेरे पास बड़ी कढ़ाई है ये। और इसमें हम डालेंगे मिल्क। तो ये मेरे पास 400 ml मिल्क है, 100 ml मिल्क हमने उसमें ले लिया काम में, स्लरी बनाने में। और ये देखिए मिल्क डाल दिया, इसको मैंने गर्म होने दिया है, हल्का गर्म होने देंगे। तभी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अपना स्लरी डालेंगे, कोको पाउडर और कस्टर्ड पाउडर और जो मिल्क मिलाकर हमने बनाया है, और विस्कर से विस्क करते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे लम्स पड़ जाएंगे। और गैस की जो स्पीड है वो लो ही रखिएगा स्लरी डालते हुए। और मैं डाल रहा हूँ इसमें चीनी जो कि है 1/4 कप, 1/4 कप चीनी डाल दी है, लगभग 50-60 ग्राम है। आप चाहें तो इसकी जगह पर पाउडर शुगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम पसंद है कम चीनी डाल लेना, ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना। और ये देखिए हम डाल रहे हैं इसमें डार्क चॉकलेट जो कि है अमूल की, लगभग 60-70 ग्राम के आसपास है ये। डार्क चॉकलेट डालना टोटली ऑप्शनल है, डालना ज़रूरी नहीं है, किसी भी ब्रांड की आप डार्क चॉकलेट डाल सकते हैं इसमें, और या फिर आप इसकी जगह पर चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है चॉकलेट डालना। अभी देखिए बबल्स आ रहे हैं, मतलब बॉयल हो रहा है। गैस बंद कर देते हैं क्योंकि ये तैयार है, और इसे पहले तो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। और देखिए मैंने इधर 3 ग्लास लिए हैं सर्विंग ग्लास, जिसमें मैं क्रश्ड आइस डाल रहा हूँ, बर्फ़ को थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है और तीनों ग्लास में डाल दिया है। और अब हम डालेंगे ये अपना चॉकलेट जो कि अभी हमने ठंडा किया था, कोको हम इसमें डाल देते हैं चॉकलेट। और ये देखिए फेंट लेंगे, फेंटने से क्या होगा, जो बर्फ़ है वो थोड़ा सा पिघल जाएगी। और वैसे बर्फ़ डालना ज़रूरी नहीं है अगर आपने फ्रिज में ठंडा कर लिया है तो। देखिए तैयार है हमारा कोल्ड कोको, बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, और रेसिपीज़ कोई आपके मन में हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली रेसिपी में, धन्यवाद।